फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसा हेयर फूड रेमेडी शेयर करने वाली हूँ ना, जो आपके बालों की हर समस्या को तो दूर करेगा ही, साथ ही आपके बालों को इतना तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा, इतना तेजी से बढ़ाने लगेगा कि आप चौंक जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यकीन नहीं आता तो ये रेमेडी एक बार जरूर से ट्राई करके देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम इसमें कुछ ऐसी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने वाले हैं ना, जो आपके बालों में कमाल का रिजल्ट देगा। आपके बालों में अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, या तो आपके बाल ड्राई है, सारी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आपके बाल व्हाइट है ना, तो उसको भी ब्लैक कर देगा। ऐसा मानिए कि आपके बालों की मतलब जो भी प्रॉब्लम है ना, सारी ये खत्म कर देने वाला है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं हेयर फूड। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जैसे फूड खाते हैं हमें उसमें एनर्जी मिलती है, आज हम हेयर के लिए ऐसा फूड बनाने वाले हैं ना कि जिससे हमारे बाल एकदम हेल्दी हो जाए, हमारे बालों में जान आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं रेमेडी, इसे किस तरह से बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ लोहे का बर्तन लेना है। मैं आपको हमारी हर रेमेडी में यही सजेस्ट करती हूँ, हमें लोहे के बर्तन में ही सारी रेमेडीज बनानी है, क्योंकि आयरन के बर्तन में रेमेडीज बनाने से आयरन की जो प्रॉपर्टीज है वो भी हमारे बालों को मिलती है। फिर हमें उसमें एक चम्मच आंवला एड करना है। आंवला भी हमारे बालों को कलर देने में और हेयर ग्रोथ के लिए इतना यूजफुल है। फिर हम उसमें एक चम्मच शिकाकाई पाउडर ऐड करेंगे। शिकाकाई पाउडर भी हमारे हेयर फॉल को रोकता है। फिर हम उसमें एक चम्मच ब्राह्मी पाउडर ऐड करेंगे। ब्राह्मी पाउडर भी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए इतना यूजफुल है। फिर हम उसमें एक चम्मच भृंगराज पाउडर ऐड करेंगे। भृंगराज पाउडर भी हमारे बालों को हेल्दी रखने में उतना ही यूजफुल है। फिर हम उसमें एक चम्मच मेहंदी पाउडर ऐड करेंगे। मेहंदी पाउडर के गुण तो आप सभी जानते हैं। मेहंदी पाउडर हमारे बालों को कलरिंग करता है, साथ ही हमारे बालों को नरिश भी करता है। फिर हम उसमें एक चम्मच गुड़हल का पाउडर यानी कि हिबिस्कस का पाउडर, जासूद के फूल का पाउडर ऐड करेंगे। हिबिस्कस का पाउडर हमारे बालों में इतनी शाइन लाता है, हमारे बालों को एकदम चमकदार बना देता है, साथ ही हमारे बालों को हेल्दी भी बनाता है। फिर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। जितना गाढ़ा पेस्ट बनाना चाहो ना, उतना उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। फिर हमें इस तरह से उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे एक दिन के लिए। अगर आप अपने बालों में ब्लैकनेस के लिए इसे लगाते हैं ना, तो एक दिन के लिए इसे भिगो के ऐसे ही रख दे। अगर आप अपने बालों में सिर्फ नरिशमेंट के लिए, सिर्फ कंडीशनिंग के लिए, या तो सिर्फ हेल्दी बनाने के लिए लगाते हो, तो इसे 2 घंटे के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखिए, हमने यहाँ 4 घंटे के बाद इसे मिक्स किया ना, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्लैक होता जाएगा। फिर हमने एक दिन के बाद देखा, देखो एक दिन के बाद ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। फिर हमें उसे बालों में लगाने से पहले उसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। आप अपना फेवरेट ऑयल जो भी अपने बालों में लगाते हो, वो ऑयल इसमें मिक्स कर सकते हो, ताकि हमारे बालों को नरिशमेंट मिले। फिर हमें उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमें अपने बालों पे इसे अच्छे से अप्लाई कर देना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं ना, वैसे आप उसे रूट से लेके एंड तक इसे इस तरह से अप्लाई कर दें। फिर इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें। फिर 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर ले, रिजल्ट आपके सामने है। और इसे 7 दिन में एक बार लगाना है। यकीन मानिए, सिर्फ 1 महीना आप इसे ट्राई करेंगे ना, आपके बाल 4 से 5 इंच बढ़ गए सिर्फ 1 महीने में। जी हाँ फ्रेंड्स, यकीन नहीं आता तो ये हेयर फूड को आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। मैं आपको 100% बताती हूँ, इस रेमेडी की मैं गारंटी लेती हूँ, ये आपके बालों में 100% वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। साथ ही ये रेमेडी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिए। बाजू में दिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पा सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।